वेलकम टू अनप्लग्ड एग्जाम। आज है 21 फरवरी और हम सभी राज्य के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की स्टडी करेंगे। आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह याद कर लें क्योंकि ये आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कैब यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उबर के साथ समझौता किया है? इसका आंसर है डी, दिल्ली राज्य की पुलिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कौन से हवाई अड्डे ने सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया है? इसका आंसर है बी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर कपड़ा मंत्रालय ने कला कुंभ प्रदर्शनी का आयोजन किया है? इसका आंसर है बी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5.12 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? इसका आंसर है डी, उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? इसका आंसर है सी, मनोहर पर्रिकर के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मंदिर ट्रस्ट की पहली बैठक में किसे ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ए, नृत्य गोपाल दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान श्री राम से जुड़े पर्यटन स्थलों की सैर कराने के लिए किस नाम से विशेष ट्रेन की शुरुआत की गई है? इसका आंसर है ए, श्री रामायण एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है विमल जुल्का को। ये थे आज के राज्य के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।